Namaste students, welcome back again in the RSU Group of School YouTube channel. In this video session, we will read part number 12 and the topic is imperfection and defects in the solid. Defects in the solid. What do you mean by defects? Defect means any departure from perfectly ordered arrangement of the constituent particle in a crystal. एक क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसके अंदर कितना उसके अंदर इरेगुलरिटी आई उसको हम क्या कहते हैं डिफेक्ट. एज वी डिस्कस इन द बिगिनिंग क्लासेस दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. हाउएवर दीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मे नॉट बी परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बिकॉज दिस सॉलिड हैव a large number of constituent particles in the crystals may not have perfectly ordered arrangement. How this will happen? This will happen when the crystallization takes place with a moderate speed or it may be with a fast speed, then the particles does not have sufficient time to arrange themselves in the crystals. I'm repeat again. हमने पिछली क्लासेज में क्या पढ़ा बच्चों, हमने ये पढ़ा कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का. अब वो रेगुलर अरेंजमेंट होता किस वजह से है, वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बार 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 आगे से आगे ऑर्डरली अरेंजमेंट के कारण होता है. मान लीजिए उस क्रिस्टल के अंदर जो फॉर्मेशन हुआ है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से हुआ है, वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स के कारण उसमें क्या होगा कि वो परफेक्ट तौर से अपने आप को उसमें अरेंज नहीं कर पाएंगे. ये क्या कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है. हाउ इट विल हैपन, ये होता क्यों है, ये तब होता है जब हम क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं. व्हेन वी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सॉलिड, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे उस वक्त दे हैव fast speed or they have moderate speed, then the particles, उन particles के पास कोई sufficient समय नहीं होगा जिससे वो अपने आप को crystal में perfectly तौर पे arrange कर पाए. तो क्या create होता है, then it will create a defect in the crystalline solid. Let me clear again, any departure in the perfectly ordered arrangement of the constituent particles in a crystal, that is known as defect in solids. It is also known as imperfection. यानी जो चीज perfect ना हो. Now the defects in solid. Defects are of two type. Defects are of two type. बच्चों defect कितने तरह का होता है? Defects दो तरह का होता है. Type अगर हम इसके पढ़ते हैं, दो तरह का कौन सा? First one is point defect. Second one is line defect. Defect दो तरह का होता है. First one is point defect and second one is line defect. मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्रिस्टल ड्रॉ करता हूं. ये आपके सामने एक क्रिस्टल मैंने ड्रॉ किया. इस क्रिस्टल के अंदर यू नो दैट द आयंस आर परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. वो एक परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को रखेंगे. मान लीजिए कैटायन है वो आपका ए प्लस एंड एनायन इज बी माइनस. देन यू अरेंज इन द क्रिस्टल ए प्लस देन बी माइनस देन ए प्लस देन हियर बी माइनस देन ए प्लस देन बी माइनस देन अगेन ए प्लस बी माइनस एंड ए प्लस. ये एक आपने अरेंजमेंट किया ए प्लस एंड बी माइनस एन का एक क्रिस्टल. अब क्या हुआ, हमने कहा दो तरह के डिफेक्ट हैं. फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज लाइन डिफेक्ट. पॉइंट मींस एनी डिफेक्ट इज प्रेजेंट ओनली इन अ सिंगल एटम एट ओनली एट अ पॉइंट दैट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट. यानी इस क्रिस्टल के अंदर अगर मान लीजिए इस ए प्लस एटम की वजह से अगर कोई डिफेक्ट है, यानी ये यहां से रिमूव हो जाता है, बाहर चला जाता है, तो ये होल क्रिएट हुआ. तो डिफेक्ट कहाँ हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ. तो इस प्रकार का डिफेक्ट क्या कहलाएगा बच्चों, इस प्रकार का डिफेक्ट कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट. व्हेन डिफेक्ट ओनली अकर्स एट ए
particular atom at a particular point, that is known as point defect. Second one is line defect. मान लीजिए आपने यहाँ लिखा, ये a plus था अपना, ये a plus था, इस a plus के अंदर, इस complete row के अंदर के जो atoms हैं, ये complete में ही अगर आपका irregularity है, तो इस प्रकार का defect क्या कहलाएगा? Line defect. यानी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसमें complete में अगर defect है, that is known as line defect. This line defect not in our course. हमारे course के अंदर line defect नहीं है. हमारे कोर्स में ओनली क्या पोर्शन है? पॉइंट डिफेक्ट है. चलिए नाउ स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट डिफेक्ट. स्टूडेंट्स, पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप. पॉइंट डिफेक्ट आल्सो आर ऑफ टू टाइप. पॉइंट डिफेक्ट कौन से हैं? पॉइंट डिफेक्ट जो हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वो भी दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट. एज द नेम सजेस्ट, इफ द इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल टेक्स प्लेस एज लाइक दैट द रेशियो ऑफ द कैटायंस एंड द एनायंस, इफ द रेशियो ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस आर सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसका अर्थ ये है कि अगर डिफेक्ट से पहले का जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और डिफेक्ट के बाद का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अगर वह सेम रहता है, यानी उसकी स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आता है, दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. मान लीजिए आपके पास कोई Ab2 टाइप का कोई फॉर्मूला है, ये कंपाउंड है, और इसमें डिफेक्ट आया. डिफेक्ट आने के बाद भी, आफ्टर डिफेक्ट, इट विल ऑल्सो Ab2 टाइप, दैट मींस नोन एज दे डू नॉट हैव चेंज इन देयर stoichiometry. So this type of defect is known as stoichiometric defect. Now write the definition. The ratio of cations and anions, ratio of cations and anions in the crystal lattice are same as represented by their molecular formula. That type of defect is known as stoichiometric defect. Stoichiometric defect are of two type. It is also two type, that is Schottky defect and second one is Frenkel defect. Schottky defect and Frenkel defect. Now explain what is Schottky defect. What is Schottky defect? देखिए, Schottky defect is a type of point defect. Schottky defect is a type of point defect. What occurs in the Schottky defect? How it will occur? When the, suppose we have an ionic crystal. मान लीजिए आपके पास कोई ionic crystal है and having like example like an HCl. It will have two ions, Na plus and Cl minus ion. Suppose in a ionic crystal, equal number of ions are missing from the crystal lattice. Equal number of ions are missing from the crystal lattice and maintain the electrical neutrality of that particular crystal. This type of defect is known as Schottky defect. इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं. I have drawn a crystal lattice. These are the constituent particles and the space present between this is known as interstitial sites and voids. जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि इनके बीच में जो चीज होती है उन्हें हम voids कहते हैं या interstitial site कहते हैं. Na plus and Cl minus का हम इसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों. ठीक है, we have write Na plus, then Cl minus, Na plus, then Cl minus, here Cl minus, Na plus, फिर Cl minus, Na plus, then Na plus, again Cl minus, Na plus, Cl minus. Now
continuing base and name plus. Okay. We have discussed that equal number of ions are missing from this particular lattice and maintain the electrical neutrality. That type of defect is known as Schottky defect. कैसे? मान लीजिए यहाँ से आपने एक Na plus ion और एक जो हमारा आयन है that is Cl minus ion. These two ions missing from the lattice. Missing from the lattice and they create a hole in the crystal lattice. They create a hole in the crystal lattice and electrically neutralize that particular crystals because opposite ions are missing from the crystal lattice. This defect known as Schottky defect. ये क्या है यहाँ? ये क्या है? That is holes. यहाँ एक holes create होंगे जब हम यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ आयंस मिसिंग होंगे. लेकिन देखिए जो आपकी पर्टिकुलर बुक जो डेफिनेशन दे रही है, इक्वल नंबर ऑफ आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, इट विल अकर्स व्हेन द आयंस कैटायंस एंड एनायंस हैविंग सिंगल चार्ज. बट इफ यू टेक एन एग्जांपल लाइक MgO, अगर आप MgO का एग्जांपल लें, देन Mg plus 2 एंड O minus 2. These two ions are used, then also same type of crystal is present. And if you take example of MgCl2, then the ions formed is Mg plus 2 and 2 Cl minus ions. Then you cannot say equal number of ions missing from the crystal lattice. Here, यहाँ पर क्या होगा, एक Mg plus का आयन जाएगा तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से 2 Cl minus का आयन जाएंगे. तो दोनों तरह की डेफिनेशंस हैं. यहाँ इसके लिए आप क्या डेफिनेशन का यूज करेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द पर्टिकुलर क्रिस्टल, दैट इज नोन एज Schottky डिफेक्ट. ये एक Schottky डिफेक्ट का हमने जनरल बेसिक आइडिया लिया. अब Schottky डिफेक्ट क्या इसके अंदर शो करता है, व्हेन द टू आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड कैटायन और एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, देन द डेंसिटी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस. Density of the crystal students decrease. Mass decrease होगा तो density यहाँ क्या होगी, decrease होगी, क्योंकि यहाँ से आपने ions को इससे बाहर कर दिया. ठीक है. Second property, this type of defect shown by those compounds which have high coordination number. This defect shown by those compounds which have high coordination number. तो आप ये चीज दिमाग में रखें. Third point. This type of defect also shown by those compounds which have small difference in size of cations and anions. Small difference in the size of cations and anions. Those compounds having this type of defect, it is known as Schottky defect. The common examples we have discussed. Also, again I will write like NaCl, like KCl, like AgBr, etc. These are the examples which shows Schottky defect. Which shows Schottky defect. Now move further to the next part, that is Frenkel defect. That is Frenkel defect. Students, it is given by Frenkel. So, by their name it is called as Frenkel defect. In this defect, I have drawn a crystal to explain you very clearly. यहाँ हमने एक crystal drawn किया ताकि आपको मैं easily इसको समझा पाऊँ कि Frenkel defect में क्या होगा.
These are the spheres and the space present between this, that is interstitial side. देखिए, you have taken ion like A plus and B minus. Cation and anion. Now here A plus, then B minus. यहाँ हमने A plus लिखा, B minus, then B minus, A plus, B minus, A plus. A plus, B minus, A plus, B minus, and A plus. You have draw a crystal lattice with the ions A plus and B minus. In this defect, any ion missing from the crystal lattice and does not move outside from the crystal lattice, it will goes to the interstitial side. मान लीजिए आपके पास ये A plus आयन है, यहाँ से ये अपनी पोजीशन से ये मिस होता है एंड इट विल कवर, इट विल अचीव हियर, इट विल अचीव द इंटरस्टिशियल साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर लैटिस. ये अपने लैटिस से बाहर नहीं गया, ये कहाँ रहा, ये अपने ही लैटिस के इंटरस्टिशियल साइड में ही रहा. दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट. इट विल ऑल्सो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिकॉज the ions does not move outside from the lattice side. Okay, this type of defect is known as Frenkel defect. And again repeat, if an ion missing from the lattice side, normal side, and occupy the interstitial side, then the electrical neutrality maintained in the crystal, this type of defect is known as Frenkel defect. The examples of this Frenkel defect is AGBR. AGBR is the example which show both type of defects, Frenkel as well as Schottky. Another examples are AGCL, AGI, etc. Now move forward into the properties of the Frenkel defect. First one property is, when I am missing from the normal side to the interstitial side, then the density does not change. बच्चों ये अपने क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा है, उसी इंटरस्टिशियल साइड में जाएगा, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, डेंसिटी में यहाँ कोई चेंज नहीं होगा. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट शोन बाय दोज कंपाउंड्स विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर. यह डिफेक्ट उन कंपाउंड्स को में मिलेगा जिसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कम होंगे. एंड दिस डिफेक्ट आल्सो शोन बाय दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. यहां लार्ज डिफरेंस होगा उन्हीं में देखने को मिलेगा. अब देखिए, मैं इसको लेट मी क्लियर वन थिंग, दैट हमने यहाँ कहा कि आयन मिसिंग होगा अपनी नॉर्मल पोजीशन से एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड. बट स्टूडेंट्स, इसके अंदर कैटायन का साइज तो छोटा होगा, एनायन का साइज यहाँ हम क्या लेते हैं, बड़ा होगा. साइज ऑफ कैटायन जो होगा दैट इज स्मॉल, एंड साइज ऑफ एनायन जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा. तो इस वजह से इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जिसका साइज छोटा होगा वही आयन ही इस इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई इजीली कर पाएगा. सो यू कैन से दैट साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल, देन द कैटायन ऑक्यूपाई ओनली इंटरस्टिशियल साइड इन दिस फ्रेंकल डिफेक्ट. सो दिस इज द जनरल बेसिक पॉइंट that will discuss the Frenkel defect and as well as Schottky defect. Now another type of defect we will discuss in our next part. Thank you, students.